आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल। जी हाँ, एडवांस एक्सेल की हम क्लास में 5वें दिन पहुंच चुके हैं और ये रहा मेरा नया डेस्कटॉप। तो आज हम कल मैंने इसको एक्सेल पे ही बनाया है सर, बहुत है ना। बढ़िया सर, तो मैं आज आज क्या पूछने ही करूंगा, वाला था, जब आपको देखा ना, ये सुंदर लग रहा था बहुत, फिर मैं बात में उलझ गया। आज हम बात करेंगे आपके साथ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट स्पेशल होता है कि आपने डेटा को कॉपी पेस्ट जो नॉर्मल करते हैं, तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जैसा कॉपी करते हैं वैसा पेस्ट हो जाता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करती है कि हमने जहां से कॉपी किया है और जहां पेस्ट कर रहे हैं, जहां पे हम कॉपी कर रहे हैं और जहां हम पेस्ट करेंगे, वहां से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट कर सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा है, मुझे इसमें का सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है। तुमने कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो आपका पेस्ट हो गया। अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले बात, ये नंबर चेंज क्यों हुआ। पहली चीज है, नंबर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इसमें लगा है रैन बिटवीन का फॉर्मूला। किसका लगा है? रैन बिटवीन। रैन बिटवीन फॉर्मूला रैंडमली नंबर चेंज करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं भी डबल क्लिक करूंगा तो दोनों नंबर चेंज, ठीक है, ऐसे रैंडम नंबर देते रहता है। पहली चीज। दूसरी कि सर, नेम के अंदर तो फॉर्मूला नहीं था तो क्यों पेस्ट हुआ? तो फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि जो फॉर्मूला है वही पेस्ट हो। फॉर्मूला का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला बार में विजुअल है वो पेस्ट होगा। जो फॉर्मूला बार में विजुअल है वो पेस्ट होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वैल्यू, अच्छा ठीक है। तो जब इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फॉर्मूला, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो पेस्ट होती है। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला नहीं, हमें उसकी वैल्यू पेस्ट करनी है, बाकी फॉर्मेटिंग भी नहीं चाहिए और फॉर्मूला भी नहीं चाहिए। तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पेस्ट एज ए वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट होगा, ठीक है। पेस्ट जो वैल्यू फॉर्मूला को रिमूव करता है, तो लेकिन अदर लोकेशन पे, मुझे सेम लोकेशन पे, इसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा है, मुझे इसी की फॉर्मूला रिमूव करना है, कहीं और पेस्ट नहीं करना है, बस फॉर्मूला को इसकी वैल्यू से रिमूव कर देना है। तो क्या करेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और क्या कर दिया हमने, वैल्यू, देन ओके। अब देखिए यहां पे हमारा पेस्ट हो गया। अब इसका यूज हम ऑफिस की रिपोर्ट्स के लिए भी करते हैं। अब बोले किस तरह की रिपोर्ट्स के लिए, तो चलिए हम आपको एक रिपोर्ट पे करके दिखाते हैं। कोई एक एक रिपोर्ट ओपन करते हैं। चलिए इसी को, पिवट डैशबोर्ड है, इसी को ओपन करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये रिपोर्ट है और कनेक्टेड थ्रू माय डेटा। सबसे पहले मुझे सिर्फ इसी रिपोर्ट को भेजना है, इस रिपोर्ट को मुझे अपने बॉस को मेल करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये रिपोर्ट कनेक्टेड है फॉर्मूला से, देख पा रहे हैं? तो कहीं कहीं फॉर्मूला है, कहीं कहीं पे वैल्यू है। यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला है, बाकी जगह पे चार्ट्स है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ फॉर्मूला इसका रिमूव हो जाए, बाकी चीजों में कोई चेंजिंग ना हो, और सिर्फ यही शीट मेल कर। तो सबसे पहले शीट को कॉपी करते हैं, शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और करेंगे मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी, और यहाँ हम न्यू बुक को क्लिक करके ओके करेंगे। तो एक नई फाइल में, देखिए एक नई बुक वन में आ गया, नई फाइल में, लेकिन अभी भी लिंक है मेरे उस फाइल से। तो मैं क्या करूंगा, वन और ए के ऊपर जो ट्रायंगल होता है ना वाला, इस पे क्लिक करते ही पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। फिर कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहां पे पेस्ट में हम कर देते हैं वैल्यू एंड ओके। अब देखेंगे कि कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ विजुलाइज में, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला था वो चेंज हो गया ना सर।
आप किसी को मेल कर सकते हैं सेव करके, तो क्या ऐसा क्यों किया हमने, मतलब कि क्यों अलग किया। होता है क्या है, कई बार हमें हमारा डेटा के कारण में रिपोर्ट काफी बड़ा हो जाता है, और उतने बड़े रिपोर्ट्स को भेजना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अभी तो बढ़ गई है साइज वगैरह, स्पीड वगैरह, लेकिन हमारे जमाने में 2 MB से ज्यादा मेल जाती भी नहीं थी। दूसरी चीज क्या है कि डेटा कॉन्फिडेंशियल है, हम डेटा शेयर नहीं करना चाहते, तो उस केसेस में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेस्ट वाली पहलू के बाद पेस्ट जो फॉर्मेटिंग आती है, जैसे मान लीजिए कभी आपको जो इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी हो यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, डेटा को कॉपी करें, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और आप कर दें पेस्ट एज ए फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा और बाकी चीजें पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट कमेंट, कई बार क्या होता है कि हम जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, कैसे, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट डाल दिया कि दिस इज फाइनल मार्क्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैं इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं बाकी इसकी बाकी चीजों पे पेस्ट नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ कमेंट पेस्ट करना चाहता हूं, तो पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए यहां पे कमेंट्स, कमेंट्स एंड नोट्स एंड। तो किस कमेंट पेस्ट हुआ, बाकी चीजें पेस्ट नहीं। ओके सर। फिर आता है कॉलम विड्थ पेस्ट करना, तो कई बार जो रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसमें हम अपने कॉलम की साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि एक पेज पे प्रिंट हो। तो क्या करेंगे, इसको हम इसको कॉपी करते हैं और कहीं भी पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे विड्थ दिख रहा होगा कॉलम, क्योंकि नॉर्मल अगर आप पेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, विड्थ पेस्ट नहीं होता है, तो पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ लेते हैं तो कॉलम विड्थ पेस्ट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉलम पेस्ट सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट करता है, डेटा नहीं। ठीक है, अगर पेस्ट और अच्छा डेटा पे दोनों पेस्ट करना हो तो आपको सैम्पल यूज करना होगा, जिस पे क्लिक कर्सर रखेंगे सैम्पल आएगा, सैम्पल में सैम्पल दिख रहा होगा, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इस पे कनेक्ट करेंगे तो विड्थ और डेटा दोनों रहे। अब बात करते हैं कि कई बार हमारा डेट टाइम इस तरह की कुछ फॉर्मेटिंग्स होती है, जब हम इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल में, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो अब देखेंगे कि ये नंबर आया। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये नंबर होता क्या है, क्या कोई जेल का कोड है, जी नहीं। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई डेट को नंबर में स्टोर करते हैं ना, सॉरी, डेट को कभी भी आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो डेट नंबर में स्टोर होता है। कौन सा नंबर, नंबर ऑफ डेज। जैसे मैंने यहाँ 1 लाख लिखा तो मतलब हुआ 1 दिन, मतलब 1/1/1900, 1900। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्यूटर कैलेंडर 1/1/1900 से बना है, मतलब इससे पहले की डेट अगर डालते हैं तो डेट एज ए डेट नहीं होगा, टेक्स्ट होगा। मतलब आपने डाला यहाँ पे 18 दिसंबर 1895, तो डेट डेट नहीं रहेगा, टेक्स्ट हो गया, इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे नहीं, नहीं हुआ ना। तो जैसे मैं यहाँ पे दो, यहाँ पे मान लीजिए 32 डाला तो महीना चेंज हो गया, फरवरी आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे 367 डालता हूँ तो ईयर चेंज हो गया, ऐसे 44/835 डालता हूँ तो देखिए डेट चेंज हो गया। ठीक है, तो एक जब हम इसके ऊपर हम नंबर स्टोर होता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट डालते हैं तो 30 31 के बाद मंथ, 365 के बाद साल चेंज करके इसको एक डेट तरह दिखा दे। फिर जब पेस्ट से वैल्यू करते हैं तो पेस्ट से वैल्यू करता है रिमूव फॉर्मेट्स, और डेट भी एक फॉर्मेट है इसलिए इसको रिमूव कर देता है।
तो आप चाहते हैं कि डेट का फॉर्मेट रिमूव ना हो, क्योंकि दोबारा इसकी फॉर्मेटिंग आपको लगानी पड़ती है। तो उस केस में पेस्ट स्पेशल में आप यहां पे फॉर्मूला एज ए नंबर में फॉर्मूला की जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट और वैल्यू की जगह पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट यूज करें। ठीक सर ये है, दोबारा बताना। आप देखिए, अब देखिए पता चल जाएगा, वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसने बाकी फॉर्मेटिंग तो रिमूव कर दिया, सिर्फ डेट की फॉर्मेटिंग को रिमूव नहीं किया। ठीक है, मतलब जब आप पेस्ट स्पेशल करते समय नॉर्मल वैल्यू यूज करोगे तो क्या होगा, डेट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप वैल्यू नंबर जो वैल्यू फॉर्मेट में करोगे तो नंबर जो फॉर्मेटिंग है वो ले आएगा। नंबर की फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो नंबर की फॉर्मेटिंग ए है, नंबर करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम परसेंटेज कस्टम फॉर्मेटिंग वगैरह। ठीक है, इसको रिमूव नहीं करेगा, समझ गए। ठीक है सर। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए कैलकुलेशन। देखिए कभी और भी सर कैसे, जो जो वो वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग से ऊपर था फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग, वो क्या करता है सर? फॉर्मूला पेश करता है फॉर्मूला के साथ, क्योंकि आप फॉर्मूला पेश करते हो तो वहां भी नंबर गायब, फॉर्मेटिंग गायब हो जाती है ना सर, ओके ओके ठीक समझ है सर। ठीक है ठीक है। गए। हाँ, अब चलिए बात करते हैं पेस्ट एज ए कैलकुलेशन। तो मान लीजिए मेरे पास एक डे वाइज सेल्स की रिपोर्ट है, कितने कितनी क्वांटिटी सेल की है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा डेटा बना लिया कि किसने कितना क्वांटिटी सेल किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा बॉस कहते हैं कि भैया मुझे नहीं लेना देना कि आपने कितना पीस बेचा है, हमें बताइए कि आपका टारगेट सिमिलिटी था, आपने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया। तो बॉस ने बोला कि इसको टारगेट में कन्वर्ट करके दो मुझे, तो मुझे अलग कहीं रिपोर्ट नहीं बनानी है, मुझे इसी को टारगेट में कन्वर्ट करना है, हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है। तो मैं 70 को कॉपी करूंगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, इसमें आपको दिखेगा डिवाइड, ओके ओके कीजिए डिवाइड, परसेंटेज लगाइए परसेंटेज आ जाएगा। होता क्या है कि जैसे मैं 20 लिखा हूं, यहाँ पे 30 लिख, सॉरी ये तो परसेंटेज में आ गया, यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, यहाँ 20 तो यहाँ पे 30। तो अगर आप 20 को 30 के ऊपर जनरली पेस्ट करते हो तो 30 रिमूव हो जाता है, 20 आ जाता है। लेकिन इसी में अगर मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड, तो क्या होगा, अब दोनों के बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट जो है 50 वो पेस्ट हो जाएगा। हो गया, तो पेस्ट स्पेशल इसमें अगर मैं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई, तो ऐसे में 70 से उठा के सब पे किया, जितने भी नंबर थे सारे नंबर 70 से डिवाइड हो गया, तो मतलब कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करने की डिवाइड ही तो करते हैं। चलिए इसके एक और ठीक है। एग्जांपल, बताते हैं। तो मेरे पास इस बार टारगेट जो है अलग अलग दिन के लिए अलग अलग, ठीक है, और मुझे यहाँ पे नंबर सेल्स, सेल्स का नंबर आ गया है और मुझे इसको सबको डिवाइड करना है, और इस बार नंबर मेरा फॉर्मूले के साथ आया, ठीक है, फॉर्मूला भी रिमूव नहीं कर रहा। तो अगर सीक्वेंस लिए ए बी सीक्वेंस में है और आपका टारगेट भी सीक्वेंस में है, तो आप पूरे एरिया को कॉपी करो, इसके ऊपर कर्सर रखो, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे आप सेलेक्ट कर लें डिवाइड। तो इसे 24 को 56 से, 64 को 46 से, 78 को 86 से, ऐसे सिक्वेंसली डिवाइड कर देगा, तो आपका फॉर्मूला को भी रिमूव नहीं करेगा। देखिए फॉर्मूला के अंदर जाके डिवाइड किया इसने, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट करके सर, और जब पेस्ट करना है तो सिर्फ एक सेल चुन लो और पेस्ट स्पेशल कर दो, मतलब कॉपी पूरा कर लिया। ठीक देखिए एक सेल कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं। है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कॉपी कर, तीन कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ से तीन सेलेक्ट करके पेस्ट करूं या एक सेलेक्ट करके पेस्ट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है सर। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए ब्लैंक। क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास, आपके पास एक, मेरे पास डेटा एक है और मैंने
किसी टीम को बोला कि चेक करो कि गड़बड़ तो नहीं है, तो किसी टीम ने चेक किया, कुछ गड़बड़ पाया। जैसे 8558 होना चाहिए था, टाइपिंग एरर, 856 होना चाहिए था, ये आपका 6018 होना चाहिए था, ये 66 होना चाहिए था, इस तरह से कुछ अपडेट्स हमें निकाल के दे दिए। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि मुझे इसको अपडेट करना है, तो जो ब्लैंक वाला है वो करेक्ट है, तो मैं पूरा कॉपी करके इसे पेस्ट करूंगा तो ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा ना सर। तो मुझे ऐसा करना है कि जहां जहां नंबर है उसी को पेस्ट करना है, और जो ब्लैंक उसको पेस्ट नहीं करना, और मैनुअल भी नहीं करना है क्योंकि मेरा डेटा काफी ज्यादा है तो मैनुअल करने में काफी टाइम लगे। तो इसको कॉपी करेंगे, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और इसमें कर देंगे हम स्किप ब्लैंक। क्या करेंगे? स्किप ब्लैंक, देन ओके। अब देखिए, सिर्फ ब्लैंक को पेस्ट किया, बाकी डेटा को पेस्ट नहीं किया। किसको पेस्ट किया है? सिर्फ ब्लैंक। उसके बाद आता है ट्रांसपोज, माने कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में करने के लिए, ये वर्टिकल है ना आपका, राइट क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल है सॉरी, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, वर्टिकल आ गया। ठीक है, पेस्ट इज ए लिंक। क्या होता है कभी कभी हमें डेटा को लिंक करना, जैसे कि मुझे डेटा लिंक करना है 95, तो क्या करते हैं जनरली लोग, जनरली इक्वल प्रेस करते हैं, उसको सेलेक्ट कर देते हैं। क्या अब 95 की जगह पे 59 हो जाएगा? एंटर मारते चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें एक एरिया को, एक सिलेक्टेड एरिया को, या कुछ कुछ एरिया को पे करना है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, से नेम चाहिए, डे 2 चाहिए तो डे 2 ले लिया, और डे 4 चाहिए, बस यही मुझे कॉलम को लिंक करना है, तो कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया और गए पेस्ट स्पेशल, इसमें देखिए लिंक होगा, पेस्ट एज ए लिंक, लिंक हो गया। अब 48 के जगह पे अगर 84 होके एंटर मारेगा तो यहाँ देखिए चेंज हो गया। तो सेम सीट अनोदर सीट अनोदर फाइल, कहीं भी सेम तरीके से लिंक कर सकते हैं। इसका यूज कब करते हैं कि एक ही डेटा को कई सारी जगहों पे मुझे प्रिंट करना होता है, वहां पे इसका यूज करते हैं, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं पेस्ट से पिक्चर्स। क्या होता है कभी कभी किसी डेटा को, जैसे डेटा देखने से मुझे एक छोटे से एरिया में शो करना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे पेस्ट में, यहाँ देखिए होता है पेस्ट एज ए पिक्चर, इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको, अरे बड़े आराम से इसको अपने हिसाब से छोटा करके कहीं भी शो कर दे। ठीक है, बट लिंक नहीं होगा। अगर मुझे लिंक करना है कि मेरा डेटा इससे लिंक भी हो, तो क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट एज ए पिक्चर नहीं, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर। ठीक है सर, यहाँ पे लिंक हो गया। अब लिंक होने से क्या होता है कि बाकी सारा काम तो करेगा आपको इसी तरह, जो पेस्ट पिक्चर की तरह लिंक से हुआ कि कोई चेंज कर दे, जैसे मान लीजिए मैं इसकी कलर जो बीच में था उस सबको कर देता हूँ, चेंज हो गया, 51 के जगह पे 510 कर देता हूँ, चेंज हो गया, और कल के रेट में मान लीजिए एक बढ़ जा रहा है, यहाँ एक एक रेंज हमारा बढ़ जा रहा है, बढ़ गया, यहाँ 3 बार आ गया ना सर, 4 बार आ गया, 3 बार। तो हर एक पिक्चर या ऑब्जेक्ट जो किसी सेल के साथ लिंक होता है, तो क्या होता है, फॉर्मूले के साथ लिंक होता है। देखिए आ गया, दिखा है सर फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे 12 के जगह पे 13 करके एंटर मार दिया तो आ गया नेहा 4 बार, आ गया सर, या 95 की जगह पे 60 करता हूँ आ गया, या 70 करता हूँ, या 90 करता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी पेस्ट स्पेशल की क्लास। ठीक है, ठीक है सर। तो इसकी इसकी कीजिए आप प्रैक्टिस अच्छे से, और हम कल की क्लास में आपके साथ हम बात करेंगे पिक्चर लुकअप की। पिक्चर लुकअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्डिंग देंगे देखने के लिए,
अभी थोड़ा देर भेजूंगा उस रिकॉर्डिंग, लेकिन याद रखिएगा उस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर उस रिकॉर्डिंग को सही से नहीं देखेंगे तो फिर अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है सर। ठीक है ना।